वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन चैनल एंड वेलकम बैक इन माय प्रीवियस क्लास। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी टुडेज आवर टॉपिक इज एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? एनिमल्स। एनिमल्स मोर टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें एनिमल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें टू टाइप्स के होते हैं। वन टाइप कौन सा होता है? हमारा डोमेस्टिक एनिमल। एंड सेकेंड टाइप कौन सा होता है? वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल बेटा हम इनको बोलते हैं, डोमेस्टिक का मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है, जिसको आप पेट एनिमल्स भी बोल सकते हो। तो डोमेस्टिक एनिमल्स वे होते हैं जिनको हम घर में, अपने घर में पाल सकते हैं, उनको पालतू बनाकर रख सकते हैं। लाइक डॉग, कैट। डॉग होता है हमारे घर में, ठीक है, एक गेटकीपर की तरह, कैसे वो हमारे हाउस की रक्षा करता है ना। और उसी टाइप से कैट, कैट को भी हम पाल सकते हैं। गोट, बकरी आप देखते हो गांव में लोग रखते हैं। काऊ, काऊ को भी पालते हैं। आप मिल्क किसका यूज करते हो? किसका मिल्क पीते हो? काऊ का पीते हो। तो ये सब क्या है बेटा? हॉर्स, डंकी, हॉर्स को भी सब घर में ही रखते हैं क्योंकि वो भी सामान ढोने के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा? आपके डोमेस्टिक एनिमल में पालतू जानवर और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक रैबिट। रैबिट भी मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत से घरों में पाला जाता है। कैमल, जो सामान ढोने के काम में आता है, तो ये भी रखते हैं। सीप, SHEEP, सीप, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, होती है ऊन, ऊन है ना, तो ये भी डोमेस्टिक एनिमल है। ओके, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए क्या हो गए हमारे डोमेस्टिक एनिमल। अब फिर नेक्स्ट एनिमल्स कौन से आते, टाइप कौन सा आता है आपका? वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिसको हम अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि घर में रखेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो जंगल में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। लाइक लायन, टाइगर, चीता, डियर, एलिफेंट है ना, ये सब क्या है? जिराफ, बियर, फॉक्स, मंकी, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं। तो उसको, इनको क्या बोलते हैं हम? वाइल्ड एनिमल्स। तो टू टाइप्स के समझ में आ गए। तो आज हम, मैं आपको कौन से एनिमल्स के नेम लिखवाऊंगी, फाइव एनिमल्स के नेम लिखवाऊंगी। कौन से एनिमल्स के लिखवाऊंगी? ओनली डोमेस्टिक एनिमल्स के, ठीक है। DOMESTIC, डोमेस्टिक एनिमल्स। आज हम कौन से एनिमल्स सीखेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, पालतू जानवर जिसको हम अपने घर में रख सकते हैं। तो मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, देखिए विच इज दिस पिक्चर, किसकी पिक्चर है ये? यस, इंग्लिश में भी पढ़ाया आपने, सी फॉर कैट। ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। और कैट की स्पेलिंग भी आई होप कि आप सबको आती होगी, CAT, कैट, CAT, कैट। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, किसकी पिक्चर है? यस, डॉग, डी फॉर डॉग। ये भी आपने इंग्लिश में सीखी है तो ये भी आपके लिए चाहिए। तो डॉग की स्पेलिंग क्या है बताइए? यस, DOG, डॉग, DOG, डॉग। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, विच इज दिस पिक्चर? यस, आप किसका मिल्क ड्रिंक करते हो? काउ का। तो काउ की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? COW, 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 cow means गाय। ओके, नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यस, इसकी है हॉर्स, एच फॉर हॉर्स होता है, मैंने आपको एच फॉर ये नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है, एच फॉर हॉर्स। हॉर्स की स्पेलिंग देखिए, HORSE, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर, विच इज दिस पिक्चर? किसकी पिक्चर शो हो रही है आपको? ये सीप, क्या है ये? सीप, जिससे हम क्या गेट करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? वूल। उन सर्दियों में आपको, विंटर में आप जो वूलन कपड़े पहनते हो, वूल कहाँ से, किससे प्राप्त होती है? सीप से, है ना। तो सीप की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? SHEEP, सीप, SHEEP, सीप। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, और भी बहुत सारे
कीजिए। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, मेरे साथ साथ बोलिए। सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, सी ओ डब्ल्यू काउ, एच ओ आर एस ई हॉर्स, एंड एस एच ई ई पी शिप, मिस भेड़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 5 डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखिए ईवीएस की में, और फिर मुझे पिक सेंड करनी है और इनको बेटा लर्न भी करना है। मैंने इजी जी स्पेलिंग सिखवाई है, देखिए इनमें से 2 तो आपको लर्नी है ऑलरेडी, 3 तो पढ़नी है, तो आप इजीली कर लोगे। ओके सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।